أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان امر الله قدرا مقدورا <applause> الذين يبلغون رسالات show وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد 树。 وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم ما شاء الله سبحان الله قاري المقري قاري فاسل تشتي صاحب بڑا خوبصورت انداز سے آیات ختم نبوت तिलावत करने का शर्फ हासिल कर रहे थे नाजिक राम हमारी इस खूबसूरत बजम जिसका है रमतुल्लम इसका आगाज करने की एक प्रतबा फिर से हासिल की आज फिर हम पेश खदमत हैं और मेटो वन टी वी की इस खूसी एक्सक्लूसिव मैचलस और यूनिक ट्रांसमिशन को आप देखने की सदत हासिल कर रहे हैं यकम रबी अव्वलता बारा रबी अला इन श्ल और अब मैं थोड़ी सी गुफ्तु करके फिर अपने मेहमान ने ग्रामी कदर का तारफ़ आपकी खिदमत में पेश करूँगा अल्लाह तबारक मताल जल्ला का अजब अंदाज है अल्लाह ने हर नबी को भेजा हर नबी को एक नाम आता किया एक लक़ब या दो अल्कब आता किए आदम नाम है सफ़ील्ला लक़ब है अबुलबरब लकब है हज़रत नबीन आल सला तसीम को भेजा नू नाम है नजील्ला लकब है हज़रत इब्राहीम आलम नाम है लकब खलीलुल्ला है इसमाइल नाम है लकब जबील्लह है याकूब नाम है लकब इसराइल है यूसुफ़ नाम है लकब हसिनो जमील है इसी तरह बात आगे बढ़ाएँ तो हम देखते हैं कि मूसा नाम है कलीमुल्ल लकब है ईसा नाम है कली और रूहुल्ल आपके अलाबाद हैं यानी नबी को एक नाम दिया एक इसम दिया एक लक़ब दिया लेकिन जब बात आई अपने प्यारे की बात आई आमना के लाल की अल्लाह ने नाम भी कही आता किए अलकाब भी कही आता किए कभी मोहम्मद कहता है कभी अहमद कहता है कभी हामिद कहता है कभी महमूद कहता है कभी कासिम कहता है कभी आक़ब कहता है कभी फातह कहता है कभी हाशिर कहता है कभी रशीद कहता है कभी शाहिद कहता है कभी मशहूद कहता है कभी बशीर कहता है कभी नज़ीर कहता है और कभी आप ही को सिराजम मुनीर कहता है कभी अल्लाह तबारक वाल दाइन कहता है कभी शाफिन कहता है कभी हादिन कहता है कभी महादिन कहता है कभी मुंजिन कहता है कभी नाहिन कहता है कभी रसूल कहता है कभी उम्मी कहता है कभी नबी कहता है कभी अज़ीज़ कहता है कभी हरीसुआरीकुम कहता है कभी रहीम कहता है और कभी इन सब से बढ़कर ये कि आप ही को आलमीन कहता है कभी मुदरी कहता है कभी निजारी कहता है कभी किनानी कहता है कभी तहामी कहता है कभी अब तही कहता है कभी अरबी कहता है कभी हजाजी कहता है कभी करशी कहता है कभी हाशमी कहता है कभी अब्दुल्ला कभी कभी मतलबी कहता है कभी अब्दुल्ला कहता है कभी सफील्ला कहता है कभी कलीबुल्ला कहता है कभी खलीलुल्ला कहता है कभी बुरहानल्ला कहता है कभी शाला कहता है और सारे नबियों में कभी आपको रसुल्ला भी कहता है और इन सब सबसे बढ़कर ये कि आप ही को हबीबाल्लाह भी कहता है तो नाजी इक्राम हम उस नबी के शान पर गुफ्तु करने का शर्फ हासिल कर रहे हैं जिसने अल्लाह ने जिनको अल्लाह ने नाम भी कही अता किए अलबात भी कई अता किए मजीद अलबात पिए वक्त की तंगी है मेहमाना ने ग्रामी कद्र की तरफ चलता हूँ मोहम्मद अब बकर अशरफ़ गौरमानी साहब हमारे दरमियान तशीफ़ फरमा है और फिर दरमियान में जनाब मौलाना मुफ्ती सभी साहब तशीफ़ फरमा है और फिर हमारे सब के हर दिल आज़ीज़ शकील मदनी साहब जीद अशरफ तशीफ़ फरमाए आप सबको समी में कल्ब से मैं खुश आमद कहता हूँ और सलाम पेश करता हूँ और क़ारी फैसल चिश्ती साहब क्या खूबसूरत आपने तिलावत की माशा देखिए ना एक होता है कि आदमी पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है लेकिन एक होता है पढ़ने के साथ इम्प्रूव करता है और मैंने बिला मुबालक आज आपकी तिलावत में बड़ी इम्प्रूवमेंट देखी अल्लाह तबारक का बता मैं सही कह रहा हूँ अल्लाह मजीद आपको तरक्याँ दबाम कुरान की मोहब्बत है ना ये सिखाती है जो शख्स कुरान से मोहब्बत करता है बदले में कुरान भी उसे मोहब्बत देता है और जब कुरान की मोहब्बत मिलना शुरू हो जाए तो फिर पढ़ने का तरीक़ा सलीका भी आता है और अल्लाह तबारक का मताल ओजो कमाल भी आता करता है तो मैं चाहूँगा मदनी साहब के हमदबारी ताला ठीक है ना उसके बाद हम ब्रेक पे चलेंगे इनशल मैंने दिल से जहाँ कहा अल्लाह मैंने दिल से जहाँ कहा अल्लाह मैंने दिल से जहाँ कहा अल्ला खुद खुद काम बन गया अल्लाह खुद ब खुद काम बन गया अल्लाह तूने जो कुछ किया अता अल्लाह तूने जो कुछ किया अता अल्लाह हक अहदा होगा हमसे क्या अल्लाह हक अदा होगा हम से क्या अल्लाह शेर देखिए शिर को इद से बचे रहिए शिर को इलाहाद से बचे रही ये है कहाँ कोई दूसरा अल्लाह है कहाँ कोई दूसरा अल्लाह मैंने दिल से जहाँ कहा Allah, खुद ब खुद काम बन गया अल्लाह अल्लामजों का है वो बड़ा गम खार गमजदों का है वो बड़ा गम खार बेसाहारों का आसरा अल्लाह बेसाहारों का आसरा अल्लाह झूम उठा है दिले शकीले हजी झूम उठा है दिले शकीले हजी कह दिया जब किसी ने या अल्लाह कह दिया जब किसी ने या अल्लाह

क्या लज्ज़तें हैं जबान से जब अदा होती है ऐसा लगता है कि ज़ुबान से लेकर पूरा वजूद अल्लाह की बारगाह में ऐसा लगता है बस झुक जाए सुबह अल्लाह क्या बात है व लदी नाम अमन अशद हब्बल्ला से महब्बत करो तो टूट कर महब्बत करो ऐसी मोहब्बत करो किसी और से हो ही ना हो ठीक है ना तो अल्लाह तबारा को बताना कि महब्बत और अल्लाह के नाम की तकरार हमारे मोहतरम शकील मदनी साहब फरमा रहे थे अल्लाह तबारा को बता रहा है इनको मज़ीद बरकतें आता फरमाए इनके कलम को भी ताकत आता फ़रमाए उनका वोकल कॉर्ड है अल्लाह उसे भी ताकत आता फरमाए नाजी करम एक वक्फा वक्फे के बाद इन शाला फिर हाजिर खिदमत होंगे हमें यकीन आप हमारे साथ रहेंगे मोद मुकरम नाजी करम एक मरतबा फिर अपनी खूबसूरत बजम रहा नाम ही इतना बुलंद है इतना आज़ीम है कि दिल खुद ब खुद झुक जाता है पेशानी रब की बारगाह में यह दिल हुजूर की बारगाह में झुकता है तो इसी अनवान के साथ हमारे जयद वफादलमा कलाम तो शी फर्मा है अबू बकर गौरवानी साहब मैं आपसे सवाल करूँगा ये बताइए कि आमद रतल आलमीन के मौके पर किस किस अंदाज़ से अहल ईमान को ख़ुशियाँ मनानी चाहिए और ये किसका तरीक़ा है रब का तरीक़ा नबी की सुन्नत इस पर लबर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मौका था फरमाया गुजारिश ये है कि हम सबसे पहले कुरान पाक में देखते हैं है कुरान पाक में रब, में रब ने जहाँ जहाँ कोई खास पैगाम था तो वो सरकार दो आलम से खुद कहलवाया कि महबूब आपका बिल्कुल ऐसा ही है अपने ला शरीक होने का जब रफ्तार महबूब अली पहले भी लोगों ने जो है, है शुरू कर दिया और शिरफ शुरू कर दिया आपको हमने इतने कमाल किए तो वाँ आप अपनी जुबान से जो है वो हमारी वादत हमारी तोहिद को बयान करें तो यहाँ भी रफ्तारा ने जो है वो उसी उसलूब को अपनाया कि जहाँ यानी रब ख़ फरमाना चाहता है तो अपने महबूब से फरमाया महबूब आप कह दीजिए अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत जब तुम्हें हासिल हो जाए फबाली का फल या फरमाए कि उस पर तुम खूब खुशियाँ मनाओ हुआ खैर यजमाउन और फरमाया ये उससे बेहतर है जो तुम जमा करते हो तो हमें बैसीत मुसलमान और बैसीत आशके रसूल ये सोचना चाहिए कि अल्लाह के जितने भी हम पर फजल हैं और उसकी जितनी भी रहमतें हैं उन सब में सबसे बड़ा फजल कौन सा है जाने तो आलम और अगर रहमत देखी जाए तो रब तारा ने खुद फरमाया 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 कि कि ऐ महबूब हमने आपको तो तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा तो गोया के रब इस आयत मुबारक के जरिए हमें हुक्मसा फरमा रहा है कि महबूब की विलादत पर जो है वो तुम खूब खुशी मनाओ तुम खूब जो है वो चर्चा करो अपना वक्त भी इसमें लगाओ और अपना माल भी इसमें लगाओ हम हदीस मुबारक की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि जब सरकारी दो आलम की विलादत बादशत हुई तो आपके रिश्ते में चचा अबूलाब उसको उसकी एक लोंडी ने एक कनीज ने एक गुलाम औरत ने आकर खबर दी अरब का यह रिवाज था कि जब कोई खुशखबरी सुनाता तो उसे इनाम से नवाजा जाता सोबिया ने जब आकर खुशखबरी सुनाई कि अय अबूलाब तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के घर जो है वो बेटा पैदा हुआ है तो अबू लाहा बहुत खुश हुआ कि मेरे भाई का तो जो है वो इंतकाल हो गया मेरी भाभी के जो है वो बेटा पैदा हुआ है और खुशी मनाते हुए उसने उंगली के इशारे से सोबिया को आज़ाद कर दिया कहा कि जाओ मैंने तुम्हें भतीजे की खुशी में आज़ाद कर दिया तो जब उसे आज़ाद कर दिया तो उस वक्त अबू लाभ के जहन में ये ख्याल नहीं था कि मैं नबी की विलादत की खुशी कर रहा करूँ बल्कि सिर्फ भतीजा होने की हैसियत से उसने खुशी का इजहार किया तो मा फरमाते हैं और यह अदीस से अदीस आदीश की कुतुब में जो है ये रिवायत मौजूद है कि उसे जब ख्वाब में देखा गया तो पूछा गया कि तुम्हारा क्या हाल बताया कहा कि अजाब में मुब्तला हूँ और शदीद तकलीफ़ में हूँ लेकिन हफ्ते में एक दिन ऐसा आता है कि उंगली से एक रस निकलता है मैं उसे चूजता हूँ तो अजाब में अजा कम हो जाता है पूछा गया कि ऐसा क्यों कहा कि वो इसलिए कि मैंने इस उंगली से एक लोंडी को एक ग़ुला को एक कनी सोबिया को आज़ाद किया था आजाद क्यों किया कहा कि अब मोहम्मद मुस्तफा की विलादत की खुशी में और भतीजा समझ के आजाद किया था तो उस पर रबाल इनाम फरमाया तो अगर तो पता नहीं क्या दर्जा हाँ। 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 इसके हवाले से वो हजरत छठी सदी के जो है वो मुहदसत इब्ने जौजी इबी रही लिखते हैं ना के वजा फरह भी मौली दी ही हिजाब व वा फरमाए कि जो शख्स हुजूर की विलादत की खुशी करता है अल्लाह रबुलमी उस जन्म की आग से महफूज कर लेता है अल्लाह रबालमीन अल्ला 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 आग में और उस बंदे में जो है वो पर्दा हायल कर देता है उस पर्दे की वजह से विलादत की खुशी की वजह से महफूज फ़रता है क्या बात है समी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ देखिए इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि अल्लाह ने वो कहा ना कि आ, कुल कहकर अपनी बात भी तेरे मुंह से सुनी किस कदर अल्लाह को है गुफ्तु तेरी पसंद ठीक है ना अगर वो कहता वहत, फिर भी बात भी थी भी वो अल्लाह एक है लेकिन फरमाया महबूब बात मेरी होगी जुबान तेरी होगी ठीक है ना कुल कहकर तो हुद तो कुल तोहीद का वसीला है कुलअल्लाद आगे लम्ब ये जो ना यूलद है या यलिद है ना विलादत है ना उसका विलाद है भी भी। रब कौन है ना यलिद है ना यूलद है ना विलादत है ना मिलाद है और नबी वो है जो यलित भी है जूलत भी है विलादत भी है मिलाद भी है, भी है। तो भी मिलाद दरअसल शिर्क को काट देता है हमारा रब वो है जिसकी जो पैदा नहीं होता जो किसी के यहाँ पैदा नहीं हुआ तो मिलाद कैसी ठीक है ना तो रब की मिलाद नहीं होती मखलूक की मिलाद होती है और मखलूक में सबसे आला भी हमारा रबी ओला भी हमारा रबी ठीक है ना और मैं पिछले चंद साल पहले गालिबन ये टू थाउजेंड एटीन सिक्सटीन सेवनटीन में क्रिसमस और मिलाद एक दफ़ा दफाया एक ही दिन में तो मैं वहां पर यू में था आप यकीन जानिए मैंने कोई घर ऐसा नहीं देखा जिस पर चरागा ना हो फिर मेरे बहनों ही वहाँ पर आ रही ले गए कि जी अपर पार्ट चलते हैं जैसे हमारे यहाँ डिफेंस है इस तरह उन बंगलों में चलते है वहां पर जाकर देखा अजब मंजर बड़े बड़े बंगलों विलास तरह उन्होंने सजाए कंपटीशन में मुझे ख्याल आया कि ईसा ईसीम तो हमारे नबी की बारगाह में मिसले गुलाम है और आका तो सरदार है जब इनका ऐसा मिलाद बनाया जा रहा है कोई फतवा नहीं आता तो काश के मुसलमान नबी की मिलाद को भी इस तरह सेलिब्रेट करें तो यकीनी तौर पर शिरक भी कट कर रह जाएगा और तोहेद का परचम भी बुलंद होगा और शान नबूवत भी हम बयान करने की सादत हासिल करेंगे आपकी तरफ आता हूँ फजीलत और शान की बात की गई आप क्या फरमाएंगे नबी <सबसे> पहले तो आपका शुक्रिया और मेट्रो चैनल दिया अल्लाह पाक ने जितने भी अम्बिया को भेजा उन सबको फजीलतर जैसे ने कुरान में फरमाया तिलकर जितने पेम्बर भेजे उन सबको फजीलतर मन का ला। और फजीलत की एक सूरत बतौर मिसाल पेश की कि एक फजीलत की शक्ल ये है कि कोई अल्लाह से बात करे जैसे मूसा सलातम ने अल्लाह से तकल्लुम किया खिताब किया ये उनका तुर्रा इम्तियाज था इसलिए उनका ये लकब लगा दिया गया कि मूसा कलीमल्ला लेकिन हमारे और आपके आका हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्लाम तो खुदा के उन पैगम्बरों में से हैं जिनको अल्ला पाक ने महराज के मौके पर अपने पास बुलाया और उनको नमाज का तोहफा भी अता फरमाया इसके बीच में एक बात करता चलू कि पहले जितने भी पैगम्बर हैं सब नमाज पढ़ते थे उनके पास जो नमाज का आया वो आसमान से जमीन पर आया लेकिन वसल्लम को जब नमाज का तोहफा दिया गया तो प्यारे आकाश्स को अल्लाह ने अपने दरबार में बुलाकर अपनी ज्यारत से शर्फ शर्फ बार उसके बाद यह तोहफा ये आप सल्लाम की शान ने हजरत मूसा को तो कलीमुल्ला बनाया लेकिन को के साथ साथ अपने दीदार के साथ भी शरफ अर की वो है जो आप सल्लाम को बर रात अदा फरमा इसके अलावा भी अल्लाह के पैगम्बर सल्ला खोल के पढ़ते हैं तो आपकी शान को आदाब के दर्जे में अल्लाह ने अपने पैगम्बर के आदाब के दर्जे में जो अंदाज़ तकल्लुम इख्तियार किया गया है वो बड़ा फसाहत और बलागत के साथ नजर आता है कि अल्लाह पाक जब और अंबिया को खिताब करते हैं जो तो खिताब करते हुए उनका नाम जिक्र करते, करते हैं या मूसा उनका नाम जिक्र करते हैं या ईसा इन्नी मुतवफीका उनका नाम जिक्र करते हैं आदम अली सलाम का नाम जिक्र या आदम उसको जन्न उनका नाम जिक्र करते हैं इसी तरह आप सल्लाम के जद अमजद हजरत इब्राहिम खलिल्ला का जब नाम आता है तो उनको जब खिताब करते तो नाम के साथ जिक्र करते हैं या इब्राहिम लेकिन आकए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आती है और उनसे जब खिताब का तस्कर आता है तो आदाब के उस दर्जे में अल्लाह जाकर उनका नाम लिए बगैर उनके लकब के साथ उनको पुकारते हैं है। है। जी, जी, है। है। तो अपने मखलूक को नबी का अदब सिखाने के लिए जिस तरह हम किसी बड़े बुजुर्ग से मिलते हैं तो उनका नाम नहीं लेते मुफ्ती साहब मोली साहब इमाम साहब कहते हैं इसी तरीके से उनके अल्कबात से जिक्र करते हैं इसी तरीके से अल्लाह मुझे आपकी ये लगा अल्लाह ने फरमाया ना जिसे आपने कहा कुल इन नमा बशर मिसर है नी आप कह दो मैं बशर होने में तुम्हारा मिसल हूँ ये क्यों कहा इसलिए कि अगर मैं कि साहब मैं तो ऐसा हूं मैं कुछ नहीं हूं तो सब समझेंगे अज्जो इनकिसार कर रहा है ठीक है ना छोटा कोई कह दे बड़ी बात है लेकिन बड़ा अगर कोई कह दे तो वो सनत बन जाता है लिहाजा अल्लाह ने फरमाया नबी जब मैं कहूंगा तो तुझे कहूंगा तो यासी कहूंगा मैं कभी वरफान का जिक्र कहूंगा कभी तेरे पर दरूदो सलाम भेजूंगा लिहाजा ये सनद है तो प्यारे बशर तो तू है तेरे मानने वालों का ईमान है लेकिन ये तू फरमा दे बशर उम्म ताकि अजो इनकारी पता चल जाए कि मैं खुदा नहीं हूं ना, ना खुदा का मुझ में आया ना सिफात पे शरीक ना जात में शरीक हाँ, अल्लाह तबारक के ने मुझ पर करम ये फरमा यू इलिया अल्लाह मुझ पर कुरान नाजिल करता है ठीक है ना तो हजूर हमारे बिसल बशर होने में है बशरियत पे इसका आसान तर्जा कर दू हुजूर खुदा ना होने में हमारी तरह है हम भी खुदा नहीं अभी भी खुदा नहीं ये सिफत है ये जिनसे जो हमें हम मिलती है में। मैं आगे चल के मैं पर इन मजीद वजात करूँ नाजी कराम एक मुख्तार वक्फा वक़्फ़े के बाद फिर शाजिर खिदमत होंगे हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे मोहतर मुकर्रमज़म नाजी कराम एक मरतबा फिर अपनी खूबसूरत महफिल रहमत आमीन जो आप देख रहे हैं मेट्रो वन टी वी की खसूसी नशरियात में बानुआन रामतमीन और अब वक्त है हमारे तकरीरी मुकाबले का स्टडी स्कूलिंग सिस्टम के छोटे छोटे नन्हे मुन् प्यारे बच्चे और बच्चियाँ हमारे दरमियान आते हैं और अपनी फ़न तकरीर का मुजाहरा करते हैं और वो फ़न भी फिर ओजो कमाल पा जाता है जब आका करीम सलात व तसीम की नस्बत उन्हें मिल जाती है चाहे नस्बत मीलाद मिले चाहे नस्बत सीरत मिले इसलिए मैं कहाँ करता हूँ मिलाद भी नबी की सीरत भी मेरे नबी की फर्क इतना है कि सीरत अपनाई जाती है मिलाद मनाई जाती है तो आइए मैं अब मदुहु करूँगा हादिया फातमा नाम मदुहु अनुसल्लल्लाही अलैहि वसूली करीम अम्मा बाद फाउज़ुल्लाही मुनाशे तो आने वाली हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानि� वो आज शाह दी हैं वो ताजुल मुरसली हैं वो आज शाह दी हैं वो ताजुल मुरसली हैं वो तैयब अमी हैं उनकी सनाइय यही है सरवर कायनात ख़ ख़ जी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलील वसलम ये वो नबी हैं या वो हस्ती हैं जिनके तशरीफ़ नायन से अरब में निखार और बाहर आ गई जहालत ख़त्म हो गई अमनो ईमान अमन सलामती का पैगाम इस पूरी कायनत में फैल गया आप सल्हु वसलम बच्चे बूढ़ों मर्दों औरतों कौम दर कौम मुल्क दर मुल्क और यहाँ तक कि जानवरों तक के लिए मिसाल बनकर तश्ीफ लाए आप ला वाले की सरतों तमाम जितने भी तबके के बच्चे हैं उन सब के लिए आम थी आपलम की ज़िंदगी के बेशुमार बेशुमाराक्यात हैं चुनाचा एक दफ़ा कुछ हुआ हूँ कि आप सल वम नमाज़ पढ़ के वापस आ रहे थे एक बच्चा मायूसी की हालत में बैठा हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही उस बच्चे को देखा उसके सर पर शफकत का हाथ रखा और उसके साथ नहायत हसन सलूकी से उसको अपने घर ले गए निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आख़िर निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आख़िर वही क़ुरान वही फुरकान वही यासिन वही तहा जनाब सदर मैं आप वा क्या बात करूँ आप सलम तो शान है आप सलम के साथ एक आपकी ज़िंदगी तो एक खुली किताब है आप सलम की ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए ही तो अल्लाह तैने आपलम तो पर कुरान नाजिल कर दिया जिसकी एक आयत है मामा सला रहमआमी जिसका तर्जुमा कुछ यह है कि बेशक अल्लाह ताल को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा आप सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों तक के लिए रहमत बनकर

और लेकिन जब कुरान पढ़ें तो फिर आयत सही तिलावत करें बच्चों को खास तौर पर उमर साहब ये सिखाना है का इल्ला सल्लाक़् आलमीन ठीक है ना इस पर ज़रूर अच्छा जनाब मलाइमा काशिफ असमिल्ल मिन शयत रजीम बसमिल्ल रकमान रहीम जनाब सदर और मेरे हम मक्तब साथी अलकम निगाहें श मस्ती में वही अव्वल वही आखिर निगाहें श मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तोहा जनाब सदर यकीन मानिए जब मुझे ये मौज़ू मिला दिल खिला दिमाग शो का मरक़ बना और जिसम का रुँ रुआ ताज़े की तरह थम गया कि आज मुझे सीरतन ननबी सल्ह पर कुछ कहना है जनाब सदर यकीन मानिए जब मैं इस मौजू पर बात करती हूँ तो मुझे हिंदा को माफ़ कर देने वाले खैर बशर याद आ जाते हैं जब मैं इस मौजू पर बात करती हूँ तो मुझे आमना के लाल भूखे प्यासे लाला के सदा देते नजर आते हैं वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला मुरादे गरीबों की बोल लाने वाला मुसीबत में गैरों के काम आने वाला वो अपने पराय का गम खाने वाला जनाब सदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सदाकत थी जैसे अबू बकर सिद्दीक बन गए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अदालत थी जैसे फारूक आजम बन गए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सखावत थी जैसे अली शेर बन गए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर शजात थी जैसे उस्मान गनी बन गए जिंदगियां बीत गईं और कलम टूट गए जिंदगियां बीत गईं और कलम टूट गए पर तेरे औाफ़ का एक बाप भी पूरा ना हो सका जनाबे सदर यकीन मानिए जनाब सदर यकीन जनाबे सदर यकीन मानिए जिसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं उल्फ़त नहीं जज्बा नहीं ऐसे दिल वाला इंसान फासिक तो हो सकता है मुनाफिक तो हो सकता है पर ऐसे दिल वाला इंसान मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता जिनाब आज इश्के रसूल से के बड़े बड़े दावे करने वाले गुस्ता के रसूल सलम का साथ देते नजर आते हैं <ड़ा> जनाब सदर दिल तो नहीं चाहते इस तक लेकिन वक्की क, कुछ वक्की मजमून की तोलाद कुछ वक्त है कुछ कहने की दे, कुछ कह भी नहीं सकती चुप रह भी नहीं सकती जिनाब सदर इबी है वही इख्त इबतदा होबी पर अरबरूद और खरब सिया माशा क्या बात है बहुत अच्छा बड़ा आपने सैयद सैयदान क्या बात है माशा इतने छोटे से आप माशा बहुत खूबसूरत भाई माइक दें इनको तो भाई ये लें जनाब मैं आपका माइक पकड़ता हूँ और आप शुरू हो जाए माशा देखिए ये ऑन है माशा सैयद सफान अहमद चले

ना की जिसके चेहरे की कसम कुरान ने खाई जिसके चेहरे को वुआ कहा गया जिसके जिसके सीन जिसकी जुल्फों को वल्लेल कहा गया जिसके सीने पर अलम नशा कहा गया जिसकी चादर को इलाही मुदसर कहा गया जिसकी कम्बल को जिसकी तारीफ में अल्लाह जिक्र कहा और क्या कहने उस वजूद को जिसे आलमीन कहा गया आप रोशनी और नूर का मीनार है आपकी जिंदगी का हर फेल निजात का जरिया है में है। की है। ये तो हमें का एक स्पीकर मिल गया क्या बात है भाई अब बगैर किसी तहकी के माशा नंबर वन है ठीक ना है नाफ़्फ़ान अहमद और फिर उसके बाद हमारी मलाया का नंबर आता है फिर हादिया फातमा सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया माशा और आ, हमारी जो स्कूलिंग सिस्टम है स्टडी स्कूलिंग सिस्टम माशा उनके रूहान माशा यहाँ पर एक और छोटे से हमारे बच्चे नन्हे मुन्ने प्यारे से खूबसूरत से गुगलू मुगलू से माशा ठीक है ना क्या सुनाएंगे आप चलें माशा सुनाइए अच्छा इसे चले आपके उस्ताद से बात करते हैं मोहम्मद उमर साहब शेख उमर साहब किबला आपको खुश कहते हैं अपनी बस में तो मैं ये पूछना चाहता हूँ माशाल्लाह आपके स्कूलिंग सिस्टम कराची में कहाँ कहाँ है वालेकुम हमारा स्कूलिंग सिस्टम सेंट्रल में है और हमारे माशाल्लाह दो कैंपस हैं जिसको हम रन कर रहे हैं और सेंट्रल के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि मिडल क्लास सोसाइटी को हम लेसर कॉस्ट पे बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड करें और मैं मेट्रो वन का शुक्रिया अदा करूंगा कि मेट्रो वन ने हमें इतने बेहतरीन प्रोग्राम का हिस्सा बनाएँ यकीन हमारे लम्हात ये लम्हात इतने सुनहरी लमहत हैं कि यकीन ये हमारे लिए इनशा आखरत में बायस निजात बने और मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा मेट्रो वन के ज़रिए कि बहसीियत मुसलमान हर शख्स को अपने किरदार में सीरत नबी सली कम से कम इतनी ज़रूर शामिल करनी चाहिए कि हम नॉन मुस्लिम तबके को अपने किरदार से मुतािर करें और वो ये देखें कि ये उम्मत ऐसी है तो उनके नबी कैसे होंगे क्या बात है भाई सुबह इसका मतलब है आप भी जो है वो तकरीरी मुकाबलों में अपने बचपन में और जवानी जवान तो खैर अब भी हैं लेकिन स्कूल वाली जवानी ज़रा मुख्तलिफ होती है तो उसमें आप भी माशा आपकी गुफ्तु से अंदाजा हो रहा है कि आप भी हिस्सा लेते हैं काफी पार्टिसिपेशन रही और हम कोशिश करते हैं हमारा इधारा कोशिश करता है। चले जी वक्त का मैं हमारे पास देलिवर चले बेटा शुरू हो जाए ना शरीफ ठीक है ना आप ये माइक ले लें रुहान साहब रुहान फरहान माशाल्लाह हम काफी अलफ़ी माशा ये माशा बहुत खूबसूरत आपने गुल्हा नाजिर मुख्तर वक्फ़ा वक्फ़े के बाद इन आख़िरी सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे मोहतर नाजी क्राम एक मरता फिर मैं आपको समीम कल्ब से वेलकम बैक कहता हूँ खुश आमदेद कहता हूँ हमारे दरमियान अबू बकर अशरफ गुरबानी साहब मुफ्ती समील्ला साहब शकील मदनी साहब तशीफ़ फर्मा है और हमारे दरमियान सैर अंसारी साहब भी तशरीफ़ फरमाए हम आपको भी खुश कहते हैं एक मरतबा फिर मैं पूछूँगा मिलादुलनबी अलैहि वसल्लम देखिए जो भी इबादत करते हैं उसका अल्लाह की जानिब से अजर मिलता है और यकीनी तौर पर बरकतें मिलती हैं अल्लाह अगर जिस तरह दुरुद पढ़ते हैं तो हज़ू की शान थोड़ी बढ़ती है दुरूद पढ़ने से हम अपना क़द बढ़ाते हैं अल्लाह का क़ुरब हासिल है। करते हैं तो इसी तरीके से मिलादनबी सल्हु वसम जाहिर है के रदूद सलाम वाले आका आए तशरीफ़ लाए और हमारे यहाँ तरीक़ा है कि हमारे यहाँ जब कोई पैदाइश होती है तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं अब मुझसे कोई दलील कोई नहीं मांगता आज तक कि तुम अपने बच्चे की केक कटिंग क्यों करते हो सालगिरह क्यों बनाते हो आप यकीन किए किसी मौली साहब ने नहीं मांगी ठीक है ना लेकिन जब आमना के लाल की बारी आती है तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो सर्कुलेट करते हैं तो बरक़तल वल्लमिलद बनाने की क्या बरकत आप उनमें से कुछ हमारे नाजर को गुश करें और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने अपने बच्चे को जिस तरह हमारे यहाँ ये खूबसूरत सा बेटा अभी पढ़ कर गया बच्चा मैं बताऊँ अपने बच्चे को अपने घर में एक हदीसी मुबारक चाहे अखलाकियात से हो मामलात से हो इबादियात से हो बिठा कर बता दिया हमारे प्यारे नबी ने बताया ये भी मिलाद है ये भी सीरत है तो आप क्या फरमाएंगे देखिए जी जब भी किसी का जिक्र किया जाता है तो उसके जो मुतालकिन होते हैं वो उससे खुश होते हैं मिसाल के तौर पर आप मोहब्बत करते हैं अगर डॉलर आपने बात कर दी है अगर उसकी तारीफ की जाए तो आपका दिल बड़ा होगा आपकी औलाद की तारीफ की जाए तो आपका दिल बड़ा होगा कि ये मेरे बेटे से प्यार करते हैं तो ये दुनिया का उसूल है कि जो जिसको भाता है उसके महबूब का जब उसके सामने जिक्र किया जाता है वा, वा, तो उसका मुहिब बहुत खुश होता है तो सरकारी आलम तोआलम की ज़ात मुबारक तो अल्लाह के महबूब है अल्लाह मुहिब है महबूब का जिक्र किया जाए तो ये कैसे मुमकिन है

तो रबूत ना जी, हाँ, जी हाँ तो अल्लाह रबालमीन तो दीगर अम्बिया की पैदाइश पर और जिस दिन उनका ज़ाहरी तौर पर दुनिया से विशाल हुआ उस दिन पर भी सलाम भेज रहा है तो ये तो दो आलम है ये तो इमामबिया है ये तो मकसूद कायनात हैं वजह तख्लीक कायनात हैं और ये तो यानी इनकी बकास से ही कायनात की बका इनके वजूद से ही कायनात का वजूद है तो उनकी विलारत का अगर दिन मनाया जाए तो, तो बेशक खुश होगा और अपने वाँ बंदे वाँ पर वाँ अपनी रहमतों की बारिश भी बरसाएगा तो हर बंद ममिन को चाहिए कि सरकार की विलाद की खुशी का इजार करना जनाब मुफी सभी साहब आपकी तरफ आता हूँ देखिए कुरे वजीद बुरान रशीद में अल्लाह तबारक वतारा ने हज़रत मूसा सलाम का मिलादनामा बयान किया सुर कस में और कुरान के मुतफ्रक पाँच रुकू में मिलाद नामा आदम बयान किया गया सुर मरियम में मिलाद नामा ईसा और मिलाद नामा हजरत या जो ये आयत पढ़ती की फिर हज़रत ईसा इबन मरियम फरमाते बस सलाम आलिया यमोल अमू तू वह यम किस दिन मेरी मौत होगी वफात शरीफ होगी सलाम व मुझ पर उस दिन जब अल्लाह की बारगाह में मैं पेश किया जाऊँगा तो नबियों पे तो हर जिंदगी के मरहले में सलाम ही सलाम हैत मरियम की विलादतनामा अल्लाह ने बयान किया ठीक है ना ये बहुत सारे मिलाद नाम है फिर सुर बलत के अंदर हजूर वाली वबा वलत नबी का मिलाद नामा बयान किया तो अल्लाह तबारक का अगर ये मिलाद नामा बयान करना अगर ये बेकार होता माज अल्ला सुबह माजल्ला अब्स होता तो अल्लाह क्यों बयान करता आप क्या फरमाएंगे नहीं ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अल्लाह पाक ने मिलादनामा अम्बिया आलिस्रतम तो तो का जिक्र किया जैसे हजरत यहाँ का इन्होंने आयत पढ़ी हजरत हाँ ईसा लिस्रतम तो की आयत पढ़ी हज़रत मूसा आलिस्लतम की तो पैदाइश से पहले के हालत और फिर मूसा आलिस्रतम तो जिन हालात में पैदे हुए पैदा हुए फिर उनकी ज़िंदगी कैसे बढ़ी वाह इसको जिक्र किया ये अम्बिया तो की विलादत से लेकर उनकी वफ़ात तक साहब ने मरियम की पदाइश को बयान किया किस तरह झूले में बोले सुबह बिल्कुल अल्लाह तो ये सारी चीजें अल्लाह ने कुरान में बयान की और सिर्फ ये मिलाद बयान नहीं की बल्कि अंबिया की पूरी सीरत बयान की हजरत मूसा सलातम की पूरी जिंदगी का अक्सर हिस्सा हम कुरान उठा के अगर उस पर तजिया करके देखें छब्बीस अंबिया आई सलासलम तो ऐसे जिनका नाम लेकर उनकी जिंदगी के सारे अहवाल बयान किए तो आप सल्ह वसलम तो सारे अम्बिया के सरदार हैं और ये अल्लाह की सुन्नत है कि वो अल्लाह अम्बिया लसरतम की विलादत उनकी ज़िंदगी की सारी सीरत को ज़िक्र करता है इसी तरीक़े से अल्लाह पाक ने सारे अम्बिया का जिक्र किया और हमारे आपके प्यारे आका हज़रत महम्मद सलील्ह वसम का कुरान के अंदर उनकी मुकम्मल सिफ़ात को बयान किया और कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया लाआसम भी हाज़ल बलत ये आप सलील वसम की शान को बयान किया जा रहा है इस आयत के अंदर कि हम कसम खाते हैं इस शहर मक्का की माशा इस शहर मक्का की कसम खाते हैं क्यों इसलिए नहीं कि यहाँ पर मक्का है इसलिए नहीं कि यहाँ हजर अस्वद है यहाँ पर सफा मरवा है या यहाँ पर मकाम इब्राहिम है बल्कि इसलिए बयान करते हैं कि वह अंत कि आप इस शहर के मस्कत इस शहर के रिहायशी हैं इसलिए इस शहर को बड़ी फजीलत हासिल है तो अल्लाह पाक ने जिसमे तो खराम तो जिस तो खरामा, खरामा जहल कदमी करता तो कैनाजन कर जिक्र क्न में सबका वज्र फिल किताबी इब्राहिम वज्र किताबी भूसा वरकुलताबी ईसा इवन वसक्र फिलकताबी मरियम तो नबियों का जिक्र करना अल्लाह की सुन्नत है और आइए इसी सुन्नत को अपने अंदाज में हम अदा करने के लिए मोहतरम सईदारी तरफ तशी फरमा है मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नबियों का जिक्र करना जब रब की सुन्नत है तो आप भी अदा फरमाइए पाया नहीं करते जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते ये दरबार मोहम्मद है यहाँ मिलता ना दाँ यहाँ दा मन को फैलाया नहीं करते अरे ना दा यहाँ दाम को फैलाया नहीं करते और खुदा कर यार कर देता तो यार रसूल अल्लाह तेरे कदमों पर आलम निसार कर देता इसलिए के लम जिंदगी में बारी बार नहीं करते ज़बां पर शिकी वाए रंजो अलम लाया न कल ते और नबी के नाम लेवा घबराया न نہیں ते में वो लुत्फ़ी पही करते सुबह ला माशा नज़ी कराम ये थी आज की हमारी मसाई आज की कोशिश आज की स्ट्रगल यकीनन अगर आप राजी हो गए आप खुश हैं तो इसका मतलब है जिनका जिक्र किया जा रहा है वो नबी भी राजी हो गए और नबी राज़ी हो गए समझ जाइए खुदा राज़ी हो गया तो बस इसी रजा की अल्तजा और इल्तिमास के साथ और अल्लाह की और उसके हबीब की रजा और खुशूदी हासिल करते हुए ये ज़िक्र की सदतें मेटोबन टी वी के ज़रिए आपने समात की हमने बयान करने की कोशिश की दुआ आखिर अल्लाह तबारक का वाले हमें हर लम इश्क मुस्तफ़ी और ज़िक्र मुस्तफ़ा में बसर करने की तोफ़ी ख़तः फरमाएँ इजाज़त दीजिए इनशल कल फिर हाजिर खिदमत होंगे अपनी नशियात रमीन के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर जमील राठौर को समीम कल्ब से सलाम कीजिए मैं आपको सलाम करता हूँ ये सलाम का महीना है अल्लाह हाफि और असल वरम्